के बिना जीवन अधूरा है। लाखों योनियों में सबसे सुंदर शरीर मनुष्य का है। भगवान के आशीर्वाद के बिना मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र परोपकार की प्रेरणा देता है। भगवान शिव जैसा दयालु करुणा के सागर कोई और देवता नहीं है। उक्त विचार जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया एमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में विश्व में कथावाचक के रूप में मशहूर पंडित प्रदीप मिश्रा के पुत्र कथाव्यास पंडित राघव मिश्रा ने अपनी कथा की शुरुआत में विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र कुबेरेश्वर धाम से की। इस मौके पर व्यासपीठ का पूजन करने पहुंचे भागवत भूषण प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कई लोगों ने हमसे कहा कि आप अपने पुत्र को कथा करने के लिए बाहर भेज दो, लेकिन 30 अप्रैल इतिहास में दर्ज हो गया है। हमने भी 1999 में कथा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि राघव महाराज को आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा है। कथा के पहले दिन सुबह से ही कुबेरेश्वर धाम पर विटलेस सेवा समिति की ओर से प्रबंधक समीर शुक्ला, पंडित विनय मिश्रा, आशीष वर्मा, यश अग्रवाल, मनोज दीक्षित, मामा आदि ने यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी सहित ठंडाई का वितरण किया। कथा के पहले दिन पंडित राघव मिश्रा ने कहा कि विश्व महापुराण मानव जाति को सुख समृद्धि व आनंद देने वाली है, क्योंकि भगवान शिव कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत हैं। भगवान भोलेनाथ की कथा में गोता लगाने से मानव को प्रभु की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान शिव की महिमा सुनने व उनमें उतरने में अंतर होता है। सुनना तो सहज है, लेकिन इसमें उतरने की कला हमें केवल एक संत ही सिखा सकता है। शिव महापुराण एक विलक्षण व दिव्यता से परिपूर्ण ग्रंथ है। शिव महापुराण की कथा मानव जाति को सुख समृद्धि व आनंद देने वाली है, क्योंकि भगवान भूतों के अधीश्वर साक्षात परमात्मा है, जो समस्त जीवों को आत्मज्ञान देकर ईश्वर से जुड़ने की कला सिखाते हैं। पहले दिन चंचुला का शिव धाम प्रसंग कथा के पहले दिन पूरे जोश और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं के मध्य पहुंचे पंडित राघव मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। उनके चेहरे की सुंदरता और तेज के आगे सब फीका नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं की नजर उनके मासूम चेहरे पर थी, लेकिन छोटे महाराज ने आते ही अपने भजन कीर्तन और अपने पिता से मिले संस्कार से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि चंचुला नाम की स्त्री को जब संत का संग मिला, वो शिवधाम की अनुगामनी बनी। एक घड़ी के सत्संग की तुलना के स्वर की समस्त संपदा से की गई है। भगवान शिव भी सत्संग का महत्व माँ पार्वती को बताते कहते हैं कि उसकी विद्या, धन, बल, भाग्य सब कुछ निरर्थक है। जिसे जीवन में संत की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु वास्तव में सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना यह शब्द हमें सत्य यानी परमात्मा और संग अर्थात मिलन की ओर इंगित करता है। परमात्मा से मिलन के लिए संत एक मध्यस्थ है, इसलिए हमें जीवन में पूर्ण संत की खोज में अग्रसर होना चाहिए, जो हमारा मिलाप परमात्मा से करवा दे। आज किया जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि बुधवार को कथा का दूसरा दिन रहेगा। कथा में सत्यम शिवम सुंदरम आदि का वर्णन किया जाएगा। कथा के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से हॉल खचाखच भर गया है। बाहर बैठने की आदि की व्यवस्था की जाएगी। कथा के दौरान अग्रवाल महिला मंडल सहित अन्य ने पंडित राघव मिश्रा का स्वागत किया। आदरणीय राघव जी, आज पहला दिन है शिव पुराण का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज हमने चंचुला देवी के बारे में और देवराज ब्राह्मण के बारे में चर्चा करी कथा में, और आज हमने धर्म पत्नी और पत्नी के बारे में भी चर्चा करी। आगे आपका जो बच्चों के लिए क्या संस्कार के संबंध में क्या संदेश रहेगा? बस कुछ नहीं, जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये संस्कार देना चाहेंगे कि रोज शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाएं और श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलें। आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा, मेरे पहले प्रथम दिवस के हिसाब से बहुत अच्छी कथा थी। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।